सबसे पहले तो एडवाइस है कि यार सीरियस हो जाओ, ठीक है, अपने टाइम को इधर उधर यूटिलाइज ना करो, जाया ना करो। जो आपके पास टाइम है उसे समझोगे, यार सिर्फ ये यही टाइम है, अगर मैंने इस पे लगा दिया तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, सही है, पर फिर नहीं होगा। इस सोच को हमेशा अपने माइंड में रखो कि यार मैंने अपियर होना है MD GATE के अंदर, अगर 3.5 घंटे बेहतरीन बनाने हैं, 3,500 घंटे लगाने पड़ेंगे उसको बेहतरीन बनाने के। अच्छा फुरकान, आपके माशाल्लाह से इतने अच्छे नंबर आए, UHS में सेकंड पोजीशन आई, इसके बावजूद आपको लगता है कि ड्यूरिंग योर MD CAT जर्नी आपसे कोई गलती हो गई हो, या अगर आपको दोबारा टाइम दिया जाए टू गो बैक इन टू द पास्ट, आप उस चीज़ को चेंज कर सको और कहीं और टाइम उसको इन्वेस्ट कर सको या कुछ बेहतर कर सको? यस यस, फेडरल केपी के कोर्सेज पढ़ूँ, वो बड़ी अच्छी बुक्स हैं, उनमें से बहुत अच्छा आता है। और जो बलोचिस्तान बुक है, मुझे अगर मुझे टाइम मिले मैंने वो नहीं पढ़ी, वो पढ़ूँ, ये मेरी मिस्टेक्स नहीं। और मेरे बहुत से क्वेश्चन है जो भी मैं पूछ नहीं सका अपने टीचर से, और जो ना मैं कभी अपने को कंप्लीट कर ही नहीं सका। जब भी मैं क्लास में बैठता था, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती थी मेरे अंदर, कि मैं ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका। सो उसको टैकल करना, इसलिए इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर पे बहुत फोकस किया। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी, मैं लाइब्रेरी में बैठता था, सेकंड ईयर को पढ़ता रहता था, उर्दू प्रैक्टिस करता रहता था, उर्दू की बहुत प्रैक्टिस करता था। यू नो, मेरे उर्दू में कम आए थे नंबर FSC में Part 1 में, तो मैं उसे मतलब उसी के साथ लगा रहता था, इंग्लिश के साथ। और FSC Part 1 को मैं इसलिए नहीं खोला कि यार मुश्किल होगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। जो फेडरल के बारे में बच्चे सोचते हैं, KPK के बारे में, यार हम क्यों पढ़ें, कैसा पढ़ें, तो वही मैं सेकंड ईयर के दौरान सोचता था। मैंने नहीं पढ़ी FSC Part 1। जब FSC Part 1 आई, सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा मुझे, तो वो मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। लेकिन मैंने उसको इस तरह से ओवरकम किया गया, बार बार पढ़ूँ, बार बार रिवाइज करूँ। सो ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने FSC को रिवाइज नहीं किया सेकंड ईयर के अंदर। सबसे बड़ा ब्लंडर कह सकते हैं आप इसको, कि मैं सिर्फ डरता रहा। हालांकि FSC Part 1 इज वेरी इजी, और बड़े अच्छे से समझाया हुआ है Part 1 के अंदर, अगर आपसे पढ़ो तो अच्छा होता है। मैं तो यही करूंगा कि Part 1 को रिवाइज करूँ, फेडरल को अच्छे से पढ़ूँ, KPK को पढ़ूँ, बलोचिस्तान को पढ़ूँ, और जो मुझे रोज का काम दिया जा रहा है उसको करने की कोशिश करूँ, कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, खुद को फील करूँ कि हाँ यार अब मैं कंप्लीट हूँ। तो दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा फुरकान, आपकी कोई एडवाइस जो आप उन बच्चों को देना चाहें जिन्होंने MD CAT के अंदर अपीयर होना है, उनको कोई आप एडवाइस देना चाहें? पहली तो एडवाइस है कि यार सीरियस हो जाओ, ठीक है, अपने टाइम को इधर उधर यूटिलाइज ना करो, जाया ना करो। जो आपके पास टाइम है उसे समझोगे, यार सिर्फ ये यही टाइम है, अगर मैंने इस पे लगा दिया तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, सही है, पर फिर नहीं होगा। इस सोच को हमेशा अपने माइंड में रखो कि यार मैंने अपीयर होना है MD GATE के अंदर, अगर 3.5 घंटे बेहतरीन बनाने हैं, 3,500 घंटे लगाने पड़ेंगे उसको बेहतरीन बनाने के लिए। सो इस सोच को अपने साथ रखो, और अपनी कोई मोटिवेशन रखो, कोई टॉप करो अकेडमी के अंदर, कोई आपको इंजॉय आप कुछ कुछ चीज थ्रिल करे, आप इंजॉय करो उसके साथ कि हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। एजुकेशन को बोरिंग ना लो, फन फन के साथ एंजॉय करो अपनी एजुकेशन को, और बिल्कुल बोर ना हो इससे। निमोनिक्स बनाओ और क्वेश्चनिंग करो ज्यादा से ज्यादा अपने टीचर के साथ, फोकस्ड होके फुली फोकस्ड क्लास में बैठो, जो आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। जब तक क्लियर नहीं हो रहा, जान नहीं छोड़नी अपनी टीचर की जो, और सिर्फ पढ़ो। स्कूल बात, ये जो फ्रेंड्स हैं और शादियां हैं और फंक्शंस हैं और बाहर जाना, इधर उधर आउटिंग और पिक्चर्स और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, इनसे ज़रा कट ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए, अच्छा रहेगा, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। और गूगल को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ChatGPT को यूज़ करो, और ऐप्स हैं उनको यूज़ करो, और अपने आप को स्टडी के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। जब बोर हो जाओ YouTube खोलो, लेक्चर देखना शुरू कर दो उसको अपने, ज़्यादा आपको अच्छा होगा। फिजिक्स वाला के लेक्चर देखो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी समझ आएगी आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चनिंग करो, निमोनिक्स बनाओ, यूट्यूब वीडियोस देखो, और इन्जॉय करो अपनी स्टडीज़ को यार, जो आप पढ़ रहे हो। बोर ना हो कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है अभी, अगर आप MBBS में होंगे फिर आपको पता चल जाएगा इतना पढ़ना पड़ता है।